पीपेल गांव हरेश्वर पचोरा जलगांव से आ रही है बड़ी खबर। पीआई संदीप पाटिल पर लगा है गंभीर आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर भाई अहिरे ने जाली दस्तावेज के आधार पर फंसाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने भी सामाजिक कार्यकर्ता को राहत दी है। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर भाव अहिरे ने द पब्लिक न्यूज 24 के संवाददाता से खास बातचीत में कहा है, उन पर हुए मासिक प्रताड़ना के लिए पीआई संदीप पाटिल को तत्काल सस्पेंड किया जाए। वह होम मिनिस्टर व एसपी के पास भी जाएंगे तथा यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पीआई संदीप पाटिल को सस्पेंड नहीं किया जाता। ज्ञानेश्वर अहिरे रहने वाले पिंपल गांव के, इनका कहना है कि संदीप पाटिल नामक एपीआई ने इनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर इन्हें फंसाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं ये हमें क्या कहना चाहते हैं। माझं नाव ज्ञानेश्वर गुंडलिक अहिरे। सर्वप्रथम मला कोर्टाचं अभिनंदन करायचं आहे। एपीआई संदीप पाटील यांच्या विरोधात जी मी याचिका दाखल केलेली होती त्याच्यात मेहरबान कोर्टाने योग्य ते चौकशी करून न्याय दिला। याच्यापुढेही मी माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक नागपूर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलीस नागपूर यांच्याकडे तक्रार देणार आहेत। मुंबईला प्राधिकरण विभाग आहे पोलीस विभागाचं, यांच्याकडे तक्रार करणार आहे आणि त्यांचं निलंबनाचं, एपीआई संदीप पाटील यांच्या संदर्भात त्यांच्या निलंबनाचं जे कार्यमुक्त करण्याचं मी वरिष्ठांकडे अर्ज। नेमका विषय असा होता की तत्कालीन पोलीस निरीक्षक एपीआय संदीप पाटील यांनी त्यांच्या कार्यकाळात माझ्या विरोधात खोटे पुरावे तयार करण्याचं काम केलं होतं। त्याच्यामुळे त्यांच्या विरोधात आदरणीय कोर्टांनी सर्वी चौकशी करून गुन्हा दाखल केलेला आहे। ज्ञानेश्वर अहिरे जी से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसमें संदीप पाटील जो कि यहाँ के एपीआई हैं, उन्होंने ग्राम पंचायत की मदद से वहाँ के 2 सरपंच, 3 कॉर्पोरेटर और अन्य जनता की मदद से उन्हें फंसाने की कोशिश की है।